आप लोगों ने न्यूज आर्टिकल में पढ़ा होगा एनपीसीआई ने यहाँ पर यूपीआई ट्रांजेक्शन को लेकर यहाँ पर 30% का कैपिंग लगा दी कि 1 जनवरी 2021 से आप लोग 30% से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में इसी के बारे में बात करें, डिटेल में चीजों को समझेंगे कि क्या आपको इन चीजों से इफेक्ट पड़ने वाला है एज ए कस्टमर, आपको क्या यूपीआई ट्रांजेक्शन कैपिंग से आपको कोई यहाँ पर इफेक्ट होगा कस्टमर्स को, या फिर इन चीजों में नोटिफिकेशन में क्या कहा गया एक्चुअली, इसके बारे में समझेंगे डिटेल में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग को स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हैं एनपीसीआई का यहाँ पर प्रेस रिलीज है कि 5 नवंबर 2020 को यहाँ पर इशू किया गया। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यूपीआई बैलेंसेज कंज्यूमर एक्सपीरियंस विद द ग्रोथ आउटलुक विद 30% विद 30% वॉल्यूम कैप थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर में टीपीएपी ऐप थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर पर यहाँ पर 30% का कैप लगाया गया टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन पे। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐप में क्या आती है, तो आपका गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप पे, अमेजन पे, यही आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। टोटल यहाँ पर 27 शायद है और भी है 27 थर्ड पार्टी ऐप है। पेटीएम की बात करें या फिर यहाँ पर जियो पेमेंट है उसकी बात करें तो ये थर्ड पार्टी ऐप में नहीं आती, इस पर कोई कैपिंग यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यहाँ से जो थर्ड पार्टी इनका पेमेंट बैंक का लाइसेंस नहीं है जिन ऐप का, उन्हें यहाँ पर दिक्कत होने वाली, उन पर यह कैपिंग वर्क करेगा। यहाँ पर आगे चीजें क्या लिखी हुई इसे पढ़ते हैं, देख सकते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई सेड दैट यूपीआई रीचिंग 2 बिलियन ट्रांजेक्शंस अ मंथ, यानी कि एवरी मंथ यहाँ पर 2 बिलियन का ट्रांजेक्शन यूपीआई के जरिए से यहाँ पर हो रहा है। विद द पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ इट हैज इशूड अ कैप 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम ट्रांजेक्शन प्रोसीड इन यूपीआई एप्लीकेबल ऑन ऑल थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडेड टीपीएपीएस विल बी इफेक्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 2021। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 30% का कैपिंग टोटल जितने भी थर्ड पार्टी ऐप है, जितने भी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन पर ये चीज़ें एप्लीकेबल होगी। जैसे कि आपका फोन पे, गूगल पे है, अमेजन पे है, व्हाट्सएप पे भी आ गया है, उन पर ये इफेक्ट करेगा। आगे यहाँ पर पढ़ेंगे लिखा हुआ है इट विल हेल्प टू एड्रेस द रिस्क एंड प्रोटेक्ट द यूपीआई इकोसिस्टम फॉर द फर्दर स्केल अप। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूपीआई ट्रांजेक्शन को यहाँ पर और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन करने के लिए और आगे स्केल पे ले जाने के लिए इन चीज़ों को लिया गया है। कि यहाँ पर जनरली एनपीसीआई का कहना यहाँ पर यह है कि जैसे जैसे यहाँ पर यूपीआई ट्रांजेक्शन में ग्रोथ हो रहा है और यहाँ पर सिर्फ दो ही एप्लीकेशन फोन पे और गूगल पे, इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर नाम नहीं लिया गया, लेकिन इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर चीज़ें कैपिंग उन्हीं के लिए लगाई गई। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे टोटल जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं अभी के टाइम में 80% मार्केट शेयर जो है टोटल यूपीआई ट्रांजेक्शन्स का यहाँ पर सिर्फ दो ही एप्लीकेशन का है, आपका जो है गूगल पे और फोन पे का ही है। गूगल पे का यहाँ पर 42% के आसपास था और यहाँ पर फोन पे का यहाँ पर 38% या 40% के आसपास था। तो यही दो एप्लीकेशन को मिलाकर यहाँ पर टोटल जो 2 बिलियन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो करीब यहाँ पर 80% जो मार्केट शेयर यही दो एप्लीकेशन का है। इसी को खत्म करने के लिए एनपीसीआई ने इस तरह का रूल्स लाया है कि 30% का मार्केट शेयर का कैपिंग यहाँ पर लाया है कि यहाँ पर किसी एक एप्लीकेशन का मोनोपोली ना चले, यहाँ पर सभी को, यहाँ पर कस्टमर्स को यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। आगे फ्यूचर में जिस तरह से ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो रहे हैं यूपीआई के, तो किसी एक एप्लीकेशन पर कंज्यूमर जो है डिपेंडेंट ना हो। जैसा कि आपने देखा था अभी यस बैंक के बारे में, जैसा आरबीआई ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए थे तो उस दिन फोन पे काम करना बंद कर दिया था। क्या हुआ था, फोन पे का जो टाइप था वहां पर पेमेंट सर्विस के लिए यस बैंक का था, यस बैंक को यहां पर रिस्ट्रिक्शन लग गए थे तो ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे। 2 दिनों तक हमसे इफेक्ट रहा था फोन पे, यहां पर ट्रांजेक्शन आप लोग नहीं कर पाए। तो ऐसा सोचें अगर ऐसा ही हुआ कभी और भी एक ही एप्लीकेशन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, 80% शेयर एक ही एप्लीकेशन का हो जाता है, वो 2-3 दिनों के लिए क्लैप्स हो जाता है या कुछ रिस्ट्रिक्शन उस पर लग जाते हैं, तो फिर क्या होगा, यूपीआई ट्रांजेक्शन तो उस दिन के लिए तो बंद ही हो जाएंगे। इस तरह के चीज़ों को देखते हुए एनपीसीआई ने इस तरह का फैसला लिया है कि एक अधिकार यहाँ पर कायम ना हो जाए किसी एक एप्लीकेशन का, इसलिए 30% का कैपिंग यहाँ पर लाया गया है कि और भी प्लेयर्स हैं जो वो उसमें जुड़ पाए, क्योंकि और भी प्राइवेट प्लेयर्स अभी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी आ गया, अमेजन पे भी है, तो यहाँ पर और ट्रांजेक्शन इंक्रीज ही होंगे। यहाँ पर आगे लिखा हुआ देख सकते हैं, द कैप ऑफ 30% विल बी कैलकुलेटेड बेसिस द टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसीड इन यूपीआई ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 मंथ्स। तो यहाँ पर कैलकुलेशन जो होगा 3 मंथ्स के अंदर में, 3 मंथ्स के ड्यूरिंग में किया जाएगा कि कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पर 30% जो मार्केट कैपिंग है उसको क्रॉस कर रहा है। अब यहाँ पर आपको सवाल आता होगा, जब एक ग्राफ आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, इसे देखेंगे आप, ये जो है मई 2020 में टोटल ट्रांजेक्शन जो यूपीआई से हुए थे 1.2 बिलियन हुए थे। अभी अक्टूबर के मंथ में ये 2 बिलियंस हो गए, लेकिन जब मई मंथ की बात करें तो यहाँ पर 1.2 बिलियंस ट्रांजेक्शन टोटल हुए थे, जिसमें देख सकते हैं गूगल पे का रेशियो देख सकते हैं 541 मिलियन है। लेकिन टोटल ट्रांजेक्शन जो यूपीआई से हो रहे हैं उसमें 50% जो है यहाँ पर ट्रांजेक्शन सिर्फ गूगल पे से हो रहे हैं, उसके बाद फोन पे है, पेटीएम है, अमेजन है, उसके और भी एप्लीकेशन भी है। तो ये दो एप्लीकेशन देख सकते हैं यहाँ पर 80% कम से कम
शेयर रखे हुए, टोटल ट्रांजेक्शन 1.2 बिलियन, तो सिर्फ दो ही एप्लीकेशन हो रहे हैं, गूगल पे और फोन पे। टोटल 1.2 बिलियन ट्रांजेक्शन मई मंथ में हुए हैं, उसमें से सिर्फ दो एप्लीकेशन का यहाँ पर 80-90% यहाँ पर मार्केट शेयर है। इसी तरह से यह और भी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ट्रांजेक्शन के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर गूगल पे फोन पे का यहाँ पर चीज़ें बढ़ भी रही हैं, ज़्यादा कस्टमर को पकड़े हुए नहीं, ज़्यादा कस्टमर इन्हीं दोनों पर रिलायबल हैं, गूगल पे और फोन पे एप्लीकेशन पे। तो इन्हीं चीज़ों को खत्म करने के NPCI ने इस तरह के रूल्स लाया है। तो यहाँ पर जब गूगल पे का देख सकते हैं 541 मिलियन है 1.2 बिलियंस में, तो अगर ये कैपिंग लगती तो देखेंगे अभी के सिनेरियो के हिसाब से 1 जनवरी 2020 से NPCI का नोटिफिकेशन कहता है कि यहाँ पर ये चीज़ें एप्लीकेबल हो जाएगी 30% मार्केट शेयर का। लेकिन अभी गूगल पे का मार्केट शेयर 42% के आसपास है, 42 या 43, अक्टूबर के मंथ की बात करें डाटा के हिसाब से तो 42% के आसपास मार्केट शेयर, और 40% जो है फोन पे का। तो ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, जो 30% का मार्क यहां पर रखा गया NPCI के द्वारा, उसे ऑलरेडी ये मार्क कर चुका है। तो इन चीजों को ये कैसे कम करेंगे, तो यहां पर NPCI ने नोटिफिकेशन में ही लिख के दिया है, द एग्जिस्टिंग TPAPS मींस थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड कैप विल हैव द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम द जनवरी 2021 टू कंप्लाई विद द सेम इन द फेज मैनर। मीन्स यहाँ पर 2 साल तक का टाइम है यहाँ पर गूगल पे और फोन पे, जिन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी कैप को क्रॉस कर रखा, जो 30% मार्क रखा गया वो ऑलरेडी क्रॉस है अभी के सैनियो के हिसाब से जो ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी वो क्रॉस, यहाँ पर 2 साल तक का टाइम मिला है फोन पे और गूगल पे को इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर फोन पे के जो यहाँ पर CEO है उनका भी देखिए बयान आया है, यहाँ है समीर निगम जी, यहाँ पर इंश्योर कर रहे हैं ऑल कस्टमर एंड मर्चेंट डैट देयर इज एब्सोल्युटली नो रिस्क ऑफ एनी UPI ट्रांजेक्शन ऑन द फोन पे फेलिंग। मीन्स फोन पे पर कोई भी UPI ट्रांजेक्शन यहाँ पर फेल नहीं होगा, इनका इंश्योर है कि NPCI का जो करंट रूल्स आया है उनसे कोई कस्टमर या मर्चेंट को कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। डिटेल में चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, वी हैव रिव्यूड द रिसेंट NPCI सर्कुलर एंड द वन टू इंश्योर ऑल कंज्यूमर एंड मर्चेंट दैट देयर इज नो एब्सोल्युटली नो रिस्क ऑफ UPI ट्रांजेक्शन ऑन फोन पे एंड फेलिंग। इन द फैक्ट आर NPCI सर्कुलर कैटेगरी सेड दैट द 30% मार्केट शेयर कैप डज नॉट अप्लाई टू द एग्जिस्टिंग TPAPS मीन्स थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर पर अभी ये चीज़ें लागू नहीं हो रही। ये चीज़ें जब लागू होगी जनवरी 2023 से, यहाँ पर 2 साल तक का टाइम मिला है, उन्होंने समीर निगम जी ने भी यही कहा है कि कस्टमर को इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है, तो कस्टमर यहाँ पर कोई चीज़ें यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाले, ये चीज़ें 2023 से लागू हो जाएगी। यहाँ पर 2 साल तक का टाइम है इनके पास कि उन चीज़ों को मेंटेन करें। फ्यूचर में भी अगर देखें कि अगर 2 बिलियंस पर ट्रांजेक्शन पर मंथ हो रहे हैं UPI के, तो ये कैपिंग कैसे काम करेगा, तो टोटल यहाँ पर 2 बिलियंस ट्रांजेक्शन पर मंथ आगे भी होते रहते हैं। तो यहाँ पर फोन पे या फिर गूगल पे एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप पे, अमेजन पे, कोई भी एप्लीकेशन है, 600 मिलियन से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। 1000 मिलियन का यहाँ पर 1 बिलियन होता है, तो 600 मिलियन 30% यहाँ पर 600 मिलियन टोटल होते हैं अगर 2 बिलियन ट्रांजेक्शन UPI के आगे भी होते रहते इसी तरीके से, तो 600 मिलियन से ज्यादा का ट्रांजेक्शन यहां पर एक एप्लीकेशन नहीं कर पाएगा। यही यहां पर NPCI का नोटिफिकेशन कहता है, और यहां पर 2 साल का टाइम भी मिला है, और ये एप्लीकेबल होगा सिर्फ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर पे। यहां पर जिनका पेमेंट बैंक का लाइसेंस है उन पर ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी, पेटीएम या फिर जियो का पेमेंट है, इन चीजों पर ये सब एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐप है उन पे ये चीज़ें काम करेगी। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल और क्वेश्चन और क्वेरीज है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की ID यहाँ पर दिख रही होगी।